नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे कि पीजीटी झारखंड का जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रश्न कैसे आए हुए थे और इस चैनल से आप सभी को क्यों जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये चैनल मात्र केवल पढ़ाई का जगह नहीं है बल्कि यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो बहुत ही गंभीर और सिंसियर है। ये बात तब और विश्वसनीय हो जाती है जब परीक्षा के बाद विद्यार्थी स्वतः बिना किसी दबाव के इस परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्र को अपने हैंडराइटिंग में लिख कर देते हैं तो एक अलग ही मनोबल विकसित होता है। तो उसी क्रम में एक विद्यार्थी स्नेहा सिंह ने टेलीग्राम चैनल में पूरे क्वेश्चन पेपर को डाला हुआ था जितना उनको याद हुआ था, और एक और चैनल है जिसने कि चैनल है या फिर उनका नाम है द लर्निंग एकेडमिक स्तर के, उन्होंने भी इस पर कमेंट्स किया था। क्योंकि मैं तो यहाँ पर केवल आप सभी को पढ़ाता हूँ लेकिन जो भी प्रश्न पत्र आए हुए हैं तात्कालिक रूप से आप सभी उसको बताते हैं, तो इसलिए मन में आता है कि किसी भी संस्था विश्वविद्यालय को बनाने में वहाँ के विद्यार्थियों का बहुत अहम रोल होता है। यानी कि अगर किसी विश्वविद्यालय को जाना जाता है, किसी संस्था को जाना जाता है, तो वहाँ के छात्रों के कार्यों द्वारा जाना जाता है, उनके मेहनत और उनकी सफलता की वजह से ही जाना जाता है। मैं तो सिर्फ आप सभी को यहाँ पर मार्गदर्शन के लिए आता हूँ और जो भी अपना अनुभव रहा है उस अनुभव को व्यक्त करता हूँ। तो बड़ी खुशी हुई, मैंने टेलीग्राम चैनल में पूरे क्वेश्चन पेपर को देखा और देखने के बाद ये लगा कि जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाई थी, क्वेश्चन सेट किए हुए थे, कई क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। तो पहले हम प्रश्न को देखेंगे और आप सभी बाद में जाकर मेरे प्रैक्टिस सेट को भी देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट केवल झारखंड पीजीटी हिंदी के लिए नहीं था बल्कि आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी है। तो इसलिए इस चैनल को अपना मानकर समय निकालकर टाइम टेबल बनाते हुए जरूर इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, इससे जुड़ कर रहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का ना आपको प्रलोभन दिया जाता है ना किसी तरीके का आपको छद्म छलावे में हम रखने की कोशिश करते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको आपकी अंगुली पकड़ाकर बता दिया जाए कि इस रास्ते पर आपको चलना है, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे कई विद्यार्थी हैं जो कि इस चीज़ को समझ चुके हैं और वो केवल मार्गदर्शन के थ्रू ही वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हैं। तो स्नेहा सिंह की तरह अन्य बच्चों ने भी कमेंट्स किया था कि सर जो कुछ आपने पढ़ाया था वहाँ से आया हुआ था, क्योंकि हम तो अपनी पढ़ाई का अपने प्रैक्टिस सेट को अपने नोट्स को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं लेकिन सब कुछ निर्भर करता है आप लोगों के ऊपर कि आप उसका कैसे उपयोग कर रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि प्रश्न कौन कौन से। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि उपंग सूत्र पूछा गया है कि इस शब्द का प्रयोग कृष्ण ने किसके लिए किया है। हमने प्रैक्टिस सेट में ये पहला जो प्रश्न है इसको करवाया हुआ था, ठीक है ना? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद है प्रगतिवादी आलोचक कविता क्या है, निबंध में कितने खंड हैं, मैला आंचल किस जगह का वर्णन है, प्रैक्टिस सेट में सब है, जयशंकर प्रसाद का गीति काव्य कौन सा है, प्रसाद जी का उपन्यास नहीं है। अभी मैं प्रश्नों पर केवल बात करूंगा, बाद में कभी इनके उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। प्रेमचंद के उपन्यासों का समय क्या है, मानसरोवर भाग एक में कितनी कहानियां संकलित हैं। मैं इस पर बहुत बार जोर देकर आप लोगों को बताया था कि हो सकता है कि इस तरीके का प्रश्न आ जाए। देखिए आगे यहाँ पर होरी के गाय को जहर किसने दिया था, गोदान जब आप पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। गोदान में प्रेमचंद के प्रगतिवादी विचारों से युक्त पात्र कौन सा है, होरी के मृत्यु के समय कौन उपस्थित था, प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है, मैला आंचल में गांधी के आदर्शों पर चलने वाला पात्र कौन सा है, नया साहित्य नए प्रश्न किसकी आलोचना पुस्तक है, हिंदी साहित्य का उद्भव किसकी आलोचना पुस्तक है, छायावाद नाम किसने दिया, कामायनी को आधुनिक युग का महाकाव्य किसने कहा, खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन है। अमीर खुसरो जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैं पढ़ा रहा था तो इसमें बताया था कि अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचना है और किन भाषा में लिखी गई है, इन पर पहले से ही चर्चा हम विद्यापति को पढ़ाते हुए किए थे, भक्ति काल को कौन सा युग कहा जाता है, ठीक है, स्वर्ण युग से रिलेटेड अगर ऑप्शन रहा होगा तो आप लोगों ने किया ही होगा, नामकरण से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, अवधी भाषा में लिखित तुलसीदास की रचना नहीं है। नहीं वाले प्रश्नों को मैं कई बार आप सभी को सतर्क किया था, आगाह किया था कि प्रश्न पढ़ते वक्त आपको बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी, तो अभी तक जितने प्रश्नों को हमने देखा
है, आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न आए हुए हैं, तो हमें बस ध्यान में रखना है कि रिवाइज करके आपको जाना है। संस्कृत भाषा का अपभ्रंश रूप क्या है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, अपभ्रंश भाषा में लिखने वाले प्रथम व्याकरणकर्ता कौन है, दोहा कोश किसकी रचना है, पिछली बार ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, उच्चैरुदात्त किसने कहा है। देखिए, स्मृति पर आधारित प्रश्न है, तो आप तो बस ये संकेत के रूप में इसको देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हूबहू जैसा प्रश्न पूछा गया था उसी टाइप से होगा। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं, मैं भाषा विज्ञान पढ़ाते वक्त सारी चीजें बताया हुआ था। खड़ी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है, दक्षिणी राजस्थानी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, राजभाषा संबंधित ये पूरा मैंने भाषा विज्ञान के पेपर में बताया हुआ था। कृष्ण उद्धव को सबसे पहले किसके पास जाने के लिए कहते हैं, व्याख्या करते समय भ्रमर गीत सार का जो पहला पद है, मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ उन्होंने जाने के लिए कहा है। जो विद्यार्थी मेरे ऊपर विश्वास करके पूरे वीडियो लेक्चर को सुनते होंगे, उनको अब लग रहा होगा कि नहीं, सर के संकेतों को भी ध्यान में रखते हुए हमें आगे काम करना है। ये नहीं कि जो चीज लिखी हुई है उसी चीज को आप महत्वपूर्ण मान रहे हैं, जो चीज नहीं लिखी गई है उसको आप महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं, जो बोली जा रही है उसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के लिए संकेत भी बहुत कुछ होते हैं। तो इसलिए संकेतों को आप एक तरीके से मार्गदर्शक के रूप में ही देखिए, गुरु के रूप में ही देखिए। हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना है, और विकल्प दिया रहा होगा उसमें। फिर सत्यव्राजक की प्रजा किसकी पुस्तक है, खूब प्रश्न पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है, नहीं वाला प्रश्न आया तो ऑप्शन के आधार पर बता देंगे आप। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे, कई बार हमने नागरी प्रचारणी सभा, नागरी पत्रिका और सरस्वती पत्रिका पर विस्तार से चर्चा किया हुआ है, पूरी चीजें इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन 1929 में किसने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की घोषणा की, नागरी लिपि सुधार से रिलेटेड हमने आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया था और सब्जेक्टिव तौर पर भी बताया हुआ था। देवनागरी लिपि के विकास में किसने योगदान दिया था, तो कई लोगों का नाम इसमें है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, किससे विकसित हुई थी, यहाँ पर सवाल पूछा गया। आखिरी समय में हमने सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा रिलेटेड जो भी टेक्स्ट पर आधारित बुक्स थे, पाठ्यक्रम था, उस पर प्रैक्टिस सेट हमने दिया था आप लोगों को। आपने देखा कि वहां से सीधे सीधे सवाल पूछा गया। कुरुक्षेत्र असंगत सुमेलित वाले प्रश्न मैंने बनाए हुए थे, तो वहां पर आप देखिए देख लिए। झारखंड की बोली और साहित्य को ध्यान में रखते हुए हमने पहले से ही आप सभी को मैटर उपलब्ध करवाया था, देख रहे हैं आप सवाल वहीं से बने हुए हैं, पूरे पाठ्यक्रम से ही रिलेटेड सवाल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्कंदगुप्त किसका नाटक है, बहुत सी आसान सवाल था, लेकिन हमने इसके प्रकाशन वर्ष को लेकर इसके विषय वस्तु पात्रों को भी ध्यान में रखते हुए आप सभी को बताया हुआ था। तो स्नेहा सिंह ने अपनी स्मृति के आधार पर पूरे क्वेश्चन को दिया हुआ था। एक और हमारे चैनल पर कमेंट्स किया था, टेली द लर्निंग एकेडमी, ठीक है, इन्होंने काफी मेहनत किया हुआ है, लगभग 100 सवाल के आसपास में इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, जो कुछ छूट गया होगा आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं कि कौन कौन से सवाल झारखंड पीजीटी में आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये सारे विद्यार्थी इस चैनल को अपना चैनल मानते हैं, अपने परिवार की तरह देखते हैं और चाहते हैं कि दिन दुना रात चौगुना ये चैनल अब आगे बढ़े, उन्नति पर चले। तो आप सभी को मैं बार बार हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। फिर मेरे मन में वही आता है कि कोई संस्था, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या फिर कोई भी जगह पढ़ाई लिखाई वाली, वो केवल व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं फेमस होती है, बल्कि उसके छात्र उस संस्था की पहचान होते हैं, उसके गर्व होते हैं, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी काफी हमारी बातों को गंभीरता से लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, और जब भी एग्जाम हॉल में जाते हैं तो अप्रत्यक्षतः मैं और मेरी ध्वनि, मेरी आवाज़ आप सभी के सामने गूंजने लगती है। और जो भी मैं छोटी छोटी चीज़ें आप सभी को बताता हूँ कि ऐसे सावधानी रखना है, वैसे सावधानी रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत हो जा रही हैं। और जानते हैं मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न है, पैसे से मैं नहीं कोई चीज़ करना चाहता हूँ, बल्कि पैशन से बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। हो सकता है कि आप लोग कई जगहों पे कोचिंग इत्यादि भी किए होंगे, नोट्स भी आपने खरीदे होंगे, लेकिन जो चीज़ आपको यहाँ बताई जाती है वो पैशन से बताई जाती है। वो एक तरीके से जो हमने नोट्स आपको दिए हैं या फिर प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, उसमें कहीं कहीं अनुभव जुड़ा रहता है, और जो भी अंतरात्मा से एक आवाज़ निकलती है कि ये प्रश्न बन सकता है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। और आप लोगों ने एग्जाम के बाद ये महसूस कर लिया होगा, आभास कर लिया होगा कि नहीं, ये चैनल किसी न किसी रूप में सच्चाई और ईमानदारी से चीज़ों को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, और जो सर है वो हमारे लिए
कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। तो उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब आप पढ़ेंगे आत्मीय लगाव होगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो इन दोनों विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने समय निकालकर, क्योंकि परीक्षा देने के लिए तो बहुत सारे विद्यार्थी गए, लेकिन इन्होंने समय निकालकर पूरा जो भी क्वेश्चन इनको याद था स्मृति पर आधारित इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं एक दृष्टि देंगे, एक मार्गदर्शन देंगे कि इस तरीके से भी सवाल आ रहे होंगे। आप देखेंगे इसमें 50% क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आपने देख लिया बातों ही बातों में कौन कौन से सवाल आए हुए थे, कैसे आए हुए थे। अब आगे बिना किसी संदेह के, बिना किसी द्वंद के इस चैनल से आप जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट्स जो भी आपको करना है आप अपने से कीजिए। मैं आपको प्रतिदिन ये सब नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं काम में विश्वास करता हूँ और मुझे लगता है कि जब मैं मेहनत करूँगा तो आज नहीं तो कल लोग इस चैनल के बारे में बातचीत करेंगे ही और इसका प्रचार प्रसार ही करेंगे, ठीक है। हृदय परिवर्तन पर मेरा ज़्यादा जोर रहता है कि हृदय बदल जाएगा तो कुछ भी बदल सकता है। देखिए एक सवाल यहाँ पर पूछा गया था, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है, लेकिन देखिए ये प्रश्न आ चुका है। ऐसे लग रहा है कि जबकि मैं जो प्रैक्टिस सेट करवाया था वो क्वेश्चन पेपर के पहले करवाया हुआ था, तो आप देख रहे हैं कि किस अंतर मन से मैं प्रैक्टिस सेट बनाता हूं और मुझे लगता है कि ये सवाल आ सकता है, ठीक है। तो एक्सपर्ट और जो यहाँ से जुड़ी हुई अंतरात्मा है, अंतर मन है, वो कितना एक दूसरे से मेल जोल कर रहा है। और जैसा कि मैंने एक वीडियो चैनल में वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि मेरे ऊपर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमफिल के पेपर को आउट कराने का आरोप लग गया था, जबकि मैं जैसे आप सभी को क्वेश्चन बताया हूँ वहाँ पर भी लिखित परीक्षा थी, 5 क्वेश्चन थे, उसमें से 2.5-3 क्वेश्चन मेरे बताए हुए आ गए थे, और जिन बच्चों का पेपर खराब चला गया या फिर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्होंने आरोप लगा दिया, हालांकि बाद में ये आरोप निराधार निकला और कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस स्टोरी को बताने का कारण यही है कि मैं बार बार चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता हूँ कि ये बहुत ही महान चैनल है या फिर मैं बहुत ही महान शिक्षक हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं, लेकिन आप देखेंगे इंटेंशन देखेंगे और किस हिसाब से मैं आप सभी को तैयारी कराना चाहता हूँ उन सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये बेस्ट चैनल है। और जो भी इस पर वीडियो लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं वो हमारे लिए, आप ही लोगों के लिए वो सारे वीडियो लेक्चर, क्योंकि मैं फ्री होकर काम करता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग फ्री के महत्व को भी समझे, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न थे और मुझे लगा कि आप सभी से डिस्कशन करना चाहिए और मैंने किया। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, आपने सतही तौर पर क्वेश्चन को देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो एक बार वीडियो को दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे की जो भी परीक्षाएं उन परीक्षाओं की तैयारी कर लीजिए, किसी के बहकाव में आपको नहीं आना है, क्योंकि जैसे कुछ परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों में है कि कोर्ट केस इत्यादि चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जिस दिन एग्जाम देने जाते हैं उस दिन भी केस चलता है। मुझे याद है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहा था और उसमें मेरा चयन भी हुआ था बाद में, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, दूसरी जगह मैं ऑलरेडी था। तो जिस दिन एग्जाम देने गया था उस दिन भी कोर्ट केस चल रहा था, जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन भी कोर्ट केस चल रहा था, आपको विश्वास नहीं होगा, जिस दिन मेरे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन था उस दिन भी कोर्ट केस चल रहा था, और ये सारी चीज़ें चल रही थी। और 2 साल के बाद हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने फिर से ज्वाइनिंग किया और ज्वाइनिंग में नीचे लिखा था कि इसकी अगली सुनवाई फला महीने में, तो मुझे लगा कि मैं ऑलरेडी एक जगह हूँ तो क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारूँ, जहाँ पे हूँ वहीं पर काम करता हूँ बढ़िया से, और आगे कोर्ट केस इत्यादि में मैं फंसना नहीं चाह रहा था और भी बहुत सारे लोग नहीं फंसना चाहेंगे जो कहीं सेटल्ड, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी तैयारी करते रहिए, जैसा कि मैंने बताया था कि EMRS का 7 या 8 अक्टूबर को एग्जाम होगा, ये मुझे कहीं सूचना मिली हुई थी, मैं किसी मीटिंग में गया हुआ था, वहाँ पर जो भी दूसरे परीक्षा की तैयारी चल रही थी, लेकिन वहाँ पर ये पता चला कि 7 या 8 अक्टूबर को फला परीक्षा की का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए सेंटर खोजे जा रहे हैं, क्या आप लोग उसमें इस भूमिका में रहेंगे, तो मुझे उन्होंने EMRS नहीं कहा था बल्कि एकलव्य कहा था, तो मैं एक्टिव हो गया, मुझे लगा कि मैं तो इसकी तैयारी कराता हूँ तो क्यों ना अपने विद्यार्थियों को इसके बारे में बताया जाए, ठीक है ना, इसलिए मैंने बताया हुआ। और बहुत सारे विद्यार्थी, मुझे पता चला कि लगभग 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं कि मामला कोर्ट में फंसा रहे। एक विद्यार्थी ने तो यहाँ तक कहा कि आप चीज़ों को झूठ में बता रहे हैं, आज मैं मैसेज कर रहा हूँ और अगर 7 या 8 अक्टूबर को एग्जाम नहीं होगा तो मैं फिर एडिट करने आऊँगा, उनके पास इतना समय है कि वो मैसेज को एडिट करने के लिए आएंगे।
भाई क्यों एडिट करने के लिए आएंगे, आप अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। मैंने जो डेट बताई है, क्योंकि ईएमआरएस में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो आपको जल्दी ही नोटिस देखने को मिल सकती है। तो मान लीजिए अगर 10 दिन इधर उधर भी होता है तो उसमें बहुत क्या नुकसान हो जाएगा। आगे अगर मैंने आपको सचेत कर दिया तो आप ही के लिए सोचा है। तो निगेटिव और पॉजिटिव हर जगह के लोग होते हैं, मैं तो पॉजिटिव लोगों के लिए जुड़ा हुआ। तो मन में कुछ बातें थी मैंने रख दी हैं, बाकी जिन विद्यार्थियों को नहीं पढ़ना लिखना है वो लगातार बहानेबाजी करते रहेंगे, लेकिन जिन विद्यार्थियों को पढ़ना है, जिन विद्यार्थियों को लग रहा है कि मेरी बातें सुनकर उनके हृदय में परिवर्तन हो रहा है, और वो जरूर ध्यान से इसको सुने और अभी से अलर्ट हो जाए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।